एमपी सस्पेंड हुए उसके ऊपर क्या हुआ? वो देखिए सस्पेंड तो ये विद वेंजेंस कर रहे हैं और ये सस्पेंशन करना ठीक नहीं है कि अगर डेमोक्रेसी में सच बात को सदन के सामने रखते हैं और उनको डराने की कोशिश ऐसी सरकार की ओर से होती है ये बहुत बुरी बात है। तो इसका मतलब यही है कि इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी। प्रेसिडेंट महात्मा गांधी समाधि के बाद भी सत्याग्रह नहीं करने दिया जा रहा, आपको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं वो पूरा उसका ब्रीफ वो करेंगे कि कहां से कहां अरेंजमेंट को लेकर भी आपने चेयरमैन साहब को लिखा है। जोशी ने कहा है कि वो प्रोटोकॉल के तहत थर्ड रो में रखा गया था सर। प्रोटोकॉल के तहत देख फडणवीस कैसे आए, वो तो एक मिनिस्टर है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक मिनिस्ट्री है, वो कोई उसका स्टेटस नहीं। और चीफ मिनिस्टर फ्रंट रो में है वो कैसे आ गए? शिंदे अपने लोगों को आप आगे बिठाते हो। खैर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, मुरली मनोहर जोशी जी एल्डरली पर्सन है, कौन से कैटेगरी में आए, जो रिकॉग्नाइज अपोजिशन लीडर है और आप लोगों से भी ज्यादा उसने असेंबली और पार्लियामेंट में रखा है, तो आप उसको नजरअंदाज करके कुछ बहाना बनाते हैं तो ये ठीक नहीं है।